सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सर्वाइवल सीरीज वीडियो। सो मैं यहाँ पर कैल्प फार्म पे आ चुका हूँ, बोनमिल फार्म है जो मेरा, मैंने पिछले एपिसोड में बनाया था। और मैं सोच रहा हूँ आज के एपिसोड में जाएंगे एशियन डेब्रिस की माइनिंग पे। और हाँ, शाउट आउट जाता है क्रिश द गेवर को। सो अगर आपको भी शाउट आउट में पार्टिसिपेट करना है तो एक कमेंट कर देना नीचे, मैं पिक कर लूँगा वहाँ से किसी को भी शाउट आउट के लिए। तो मुझे नेदर में जाना पड़ेगा एशियन डेब्रिस लाने के लिए। सो उससे पहले मुझे बनाने पड़ेंगे कुछ पोशंस, और मुझे बनाने हैं फायर रेजिस्टेंस के पोशंस। तो मैं यहाँ पर अपने ब्रीविंग स्टैंड के पास आ चुका हूँ, और ये देखो कितने सारे विलेजर ये पता नहीं ब्रीविंग स्टैंड के पास क्यों खड़े हो जाते हैं। अरे दूर हट जा, मेरा पोशन वाला है वो, साइड हट साइड। और ये जो मेरा क्लैरिक है ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे मैं लूँगा बहुत सारे एंडर पर्ल्स और उनसे बनाऊँगा आई ऑफ एंडर। सो पोशन बनाने के लिए पहले मुझे बॉटल्स रखनी पड़ेंगी वहाँ पे, और मुझे ब्लेस पाउडर चाहिए होगा क्योंकि इसमें ब्लेस पाउडर लगता है फ्यूल के लिए। और मुझे उस साइड डालना है ब्लेस पाउडर, और ऊपर मुझे डालना है ये नेदर वॉट जिससे हमारा बनेगा ऑकवर्ड पोशन। तो मैं पहली बार पोशन बना रहा हूँ तो मुझे पता है वैसे कैसे बनाना है क्योंकि मैं देख के आया हूँ। और यहाँ पर हमारा पोशन बन रहा है। ओके, सो ये जल्दी से बन जा, ये कितना टाइम लेते हैं बनने में। सो ये हमारा बन चुका है ऑकवर्ड पोशन। अब हमें इसमें मिलाना होगा ये क्या बोलते हैं इसे, हाँ मैग्मा क्रीम, जिससे ये बन जाएगा हमारा फायर रेजिस्टेंस का पोशन। ओके, फिर उसके बाद हमें इसमें रेडस्टोन भी डालना पड़ेगा क्योंकि ये बिना रेडस्टोन के सिर्फ 3 मिनट का रहेगा, लेकिन अगर हम इसमें रेडस्टोन डाल देंगे तो ये 8 मिनट्स का हो जाएगा। और हमें ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारी माइनिंग करनी है। और मैंने सुना एशियन डेब्रिस ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर देखते हैं हमें कितनी आसानी से मिलता है या मुश्किल से, चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारा पोशन तो बन चुका है, लेकिन अब हम इसे इसका टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं 3 मिनट से 8 मिनट। इसके बनने के बाद ही हम जाएंगे नेदर में, और मैं अभी अपनी डायमंड की पिकेक्स लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं वहाँ पे मर गया तो मेरी डायमंड की पिकेक्स भी चली जाएगी। सो मैं यहाँ पर नेदर में आ चुका हूँ, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पर मैंने सुना है एशियन डेब्रिस 22 to 8 कोऑर्डिनेट्स पे मिलता है, वाई कोऑर्डिनेट्स। तो मैं अभी नीचे बाइंडिंग करने जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और ये क्या, मुझे इतने आसानी से मिल गया एक एशियन डेब्रिस, और ये कितनी आसानी से, मैंने तो सुना था बहुत कुछ। अरे एक और है, अरे एक और हो जाए, एक और, तीन हो जाए, मज़ा आ जाएगा। मैंने तो सुना था बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मुझे तो बहुत आसानी से मिल गए। चलो कुछ नहीं होता, देखते हैं हम। ओके, मैं इन्हें बाद में तोड़ लूँगा और माइनिंग कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर ऐसी ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे आसानी से एशियन डेब्रिस मिल रहा है। मुझे बस यहाँ पर स्ट्रेट एक टनल बनानी है, फिर उसके साइड साइड में दो दो ब्लॉक्स छोड़ के स्ट्रेट माइनिंग करनी है जहाँ तक मेरी पिकेक्स जा रही है। सो इस ट्रिक से मैं बहुत ही आसानी से एशियन डेब्रिस ढूंढ सकता हूँ। सो मैंने बहुत बड़ी माइन की है, और यहाँ पर मैं और माइनिंग कर लेता हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए कोई एशियन डेब्रिस। और ये मेरी गेम कितनी लैग हो रही है क्योंकि यहाँ चारों तरफ नेदर रैक ही नेदर रैक है। और ये क्या लावा आ गया, अरे लावा लावा लावा, ओ मैंने पोशन पी रखा है, चलो बच गया। अच्छा हुआ पोशन पी रखा है मैंने, वरना तो कहाँ ही बचना था। सो मैं यहाँ पर जल्दी से बहुत सारे एशियन डेब्रिस ढूंढ लेता हूँ क्योंकि 4 एशियन डेब्रिस से हमें मिलेंगे 4 नेदर स्क्रैप, और 4 नेदर स्क्रैप से बनेगा हमारा 1 नेदराइट इंगट। ओके, सो हम अगली वीडियो में या अगली की अगली वीडियो में हम पूरा नेदराइट आर्मर या नेदराइट के टूल्स बना लेंगे। पर मैं सोच रहा हूँ हम किस में लगाएंगे अपना सारा नेदराइट, अभी मुझे मिला भी नहीं है नेदराइट, और मैं सोच रहा हूँ उसे लगाऊंगा कहाँ। चलो कुछ नहीं होता, मैं सोच रहा हूँ हम अपना फुल्ली नेदराइट आर्मर बनाएंगे। तो देखते हैं कितने नेदराइट इंगट बनते हैं। और ये क्या, एक और एशियन डेब्रिस मिल गया, ये तो बड़ी आसानी से मिल रहे हैं इस ट्रिक से, इस पता नहीं क्या ये ट्रिक है शायद, इस ट्रिक से तो बहुत आसानी से मिल रहे हैं एशियन डेब्रिस। आप भी ज़रूर ट्राई करना अगर आपको भी एशियन डेब्रिस चाहिए तो, आप भी 13 कोऑर्डिनेट्स पाना। और यहाँ पर अचीवमेंट भी मिल चुकी है स्टेट फ्रोस्टी वाली, और मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, और मैं अपने डायमंड की पिकेक्स लेके आ चुका हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ सारे माइन कर लेता हूँ, पहले देख लेता हूँ इधर कोई और एशियन डेब्रिस तो नहीं है।
चलो और कोई नहीं है, सो मैं इसे तोड़ता हूँ। सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार एशियल डेब्रिस तोड़ रहा हूँ खुद से सर्वाइवल में, वरना तो क्रिएटिव से नेदरराइट का ब्लॉक ही ले आता हूँ। चलो कुछ नहीं होता, कितने सारे हैं यहाँ पे। अरे कलेक्टिव का क्या, अरे आ गया आ गया आ गया, लैग हो गया था। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, हमने बहुत सारा एशियन डेब्रिस माइन कर लिया है, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा हमें टोटल कितना मिला, और मैं थोड़ा ऑफलाइन में भी माइनिंग करूंगा एशियन डेब्रिस के लिए, अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं होता। और हम देखेंगे अगली वीडियो में हम कुछ बनाने का ट्राई करेंगे, नया फार्म या नेदरराइट आर्मर। सो आज के इस एपिसोड में इतना ही, ओके बाय।